जो सशक्तिकरण का है उसने नई आशा इस देश में गांव गरीब पिछड़े वंचित को एक ताकत देने का संबल देने का काम किया। और इसलिए मित्रों मैं भी इसमें शामिल क्यों हुआ, वो इसलिए कि हमें भी पता चला कि एक गरीब आदमी अपना खून जांच कराने में उसको कितनी तकलीफ होती है, लेकिन जब वो मोदी की गारंटी की गाड़ी के आगे आता है तो उसका स्वास्थ्य शिविर में ब्लड का चेकअप होता, ब्लड शुगर, वो वैन के साथ जब चलने वाली सुविधाएं हैं उसका उपयोग करता है, तो वह गरीब आदमी जो कभी अपना खून जांच नहीं करा पाया था वह ब्लड शुगर भी टेस्ट कराता है, ब्लड प्रेशर भी टेस्ट कराता है, ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट भी कराता है, दांत का चेकअप भी कराता है, अन्य सुविधाएं भी वो हासिल कर पाता है। उसी तरीके से हमारी बहनें आज 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस का चूल्हा और गैस का कनेक्शन मिल गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई बहना रह गई है तो उसको भी गैस का कनेक्शन देने का काम ये मोदी की गारंटी की गाड़ी पूरा करती है, ये हमको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से जनधन खाते, आज 55 करोड़ जनधन खाते खुल गए। मैं आपको वो तस्वीर याद नहीं दिलाना चाहता जब 2014 में 1971 में बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ था 1971 में, और 1971 से 2014 तक बैंक की दहलीज पार करने वाला गरीब आदमी की संख्या 3.25 करोड़ थी। आज 55 करोड़ लोग जनधन खाता खुलवा करके वो बैंक के जो सुविधा है उसको ग्रहण कर रहे हैं। और इसी तरीके से उनका खाता जिसका नहीं खुला है वो खुले, विकास के नए आयाम से वो जुड़े। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अभी अभी एक सज्जन आए थे, शायद उनका नाम संतोष था, वो संतोषी प्रकृति के भी थे, लेकिन उनको 15 किस्तें मिली हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 15 किस्तों में 2,80,00,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11,74,00,000 किसानों के खाते में डाला है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। 2,000 रुपए आज उसके कारण उसकी रबी की खेती, खरीफ की खेती, उसमें उसको सुविधा मिल रही है। इसी तरीके से आवास योजना, मैं देखो पूर्णमासी का ध्यान तब आता है जब अमावस्या याद हो, अगर अंधेरा याद ना हो तो उजाले का अंतर हमको समझ में नहीं आता है। मैं 1993 में विधायक बन गया था, 1993, उस समय मेरा बीडीओ, आप यहां मुझे मालूम नहीं लेकिन हमारे यहां उसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते थे, बीडीओ, वो बीडीओ आया करता था, बोलता था नड्डा जी आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मैं बोलता था सुनाओ क्या है, बोला आपको इस बार इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 घर मिले हैं, बताओ किसको दूं। तो मैं बोलता था भैया बीडीओ साहब आप ही रख लो, मैं किसको बांटूंगा, 1 अनार 100 बीमार किस किस को दूंगा। आज मोदी जी ने 4 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना दे करके बहनों को भाइयों को ताकत दी है और उनको इज्जत से जीने का अधिकार दिया है। आज बदलता देश आपके ध्यान में नहीं होगा क्योंकि आप भूल गए होंगे, जब ये सूर्यास्त होता था तो गांव में बहनें झुंड की झुंड बनाकर अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए खेतों में जाया करती थी, एक साथ झुंड बनाकर सुबह सुबह अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए। आज मोदी जी ने स्वच्छता अभियान के तहत इज्जत घर, 12.5 करोड़ बहनों को इज्जत घर दिया है, यानी 12.5 करोड़ बहनों को इज्जत देने का काम किया तो मोदी जी ने किया। यह मोदी की गारंटी जिसको हमको समझना चाहिए। इसलिए अभी आयुष्मान भारत की बात हो रही थी, मेरा भाई आया, उसने कहा मेरा 44,000 रुपए 5 लाख रुपए से खर्च हुआ है। मित्रों मुझे ये स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत की स्कीम बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, 9 महीने के अंदर ये स्कीम बनी है। मैं आपको बता दूं ये 10.74 करोड़ परिवार यानी 50 करोड़ लोग यानी भारत की 40%
रेडी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, गांव का बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, लिफ्ट मैन, बाल काटने वाला, जूतों की मरम्मत करने वाला, ऐसे गरीब कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला जो ऐसे प्रोफेशन में है, ऐसे 50 करोड़ लोगों को मोदी जी ने हर साल 5 लाख रुपए गंभीर बीमारी से इलाज के लिए दिया। यह आज बदलता भारत है, इसको हमको समझना चाहिए। आज गरीब लोग कभी सोच नहीं सकते थे, और मालूम है आपको, भगवान न करे किसी को बीमारी लगे, लेकिन गोरखपुर का कोई व्यक्ति अगर मुंबई में टाटा कैंसर हॉस्पिटल में वो अपना कैंसर का इलाज कराने जाता है तो मोदी जी का पैसा दिल्ली से गोरखपुर नहीं आएगा, वो सीधे मुंबई ट्रांसफर हो जाएगा और उसको पैसा मिल जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था की गई है, और इसमें मरीज को भी पैसा नहीं मिलेगा और हॉस्पिटल को भी पैसा नहीं मिलेगा। मोदी जी के खाते से, भारत सरकार के खाते से हॉस्पिटल के खाते में सीधे चेक जाएगा, कैश कहीं नहीं इस्तेमाल होगा, ताकि कोई भ्रष्टाचार ना हो, इलाज का इलाज हो जाए, मरीज को राहत मिल जाए और काम हो जाए। इस तरीके